प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद पीएम ने अपने अनुभव को साझा किया। रक्षा उपकरण बनाने में हिंदुस्तान का दम दिख रहा है। पीएम मोदी हर मंच से स्वदेशी पर बात करते आए हैं, तो एक बार फिर से वो अलग अंदाज में दिखे। लड़ाकू विमान में पीएम की उड़ान। फाइटर जेट तेजस में मोदी। पैतालीस मिनट तक हवा में किया सफर। बेंगलुरु के एयर स्पेस में फाइनल जेट की गड़गड़ाहट अक्सर सुनाई पड़ती है, लेकिन आज बात कुछ अलग ही थी, क्योंकि बेंगलुरु के आसमान में पीएम मोदी ने उड़ान भरी। जिस फाइटर विमान तेजस पर पीएम मोदी बैठे, वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा और पीएम के लिए ये एक अलग ही तरह का अनुभव रहा। पीएम मोदी को चुनौतियां पसंद हैं और इस बार भी उन्होंने एक चुनौती का सामना करते हुए फाइटर प्लेन का सफर किया। पीएम मोदी के तेजस में उड़ान भरने का एक वीडियो भी जारी किया गया है। सबसे पहले पीएम एयरफोर्स पायलट की ड्रेस में नजर आए, उसके बाद वो पायलटों से मिले, बाद में वो तेजस विमान में सवार हुए। तेजस फाइटर जेट का पायलट कॉकपिट पर बैठा तो वही पीएम मोदी प्लेन की पिछली सीट पर बैठी। प्लेन हवा से बातें कर रहा था, लेकिन पीएम मोदी का जज्बा यहाँ भी देखने लायक था। उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। प्लेन से वो कभी हाथ हिलाते तो कभी अपना थंब दिखाते। इस तरह से पीएम ने 45 मिनट तक तेजस पर उड़ान भरी। तेजस के सफर के बाद वो बड़े निश्चिंत दिखाई दिए। रक्षा उपकरणों में स्वदेशी तकनीक का बेजोड़ उदाहरण है तेजस फाइटर जेट। पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर थे, जहां से वो बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में पहुंचे। पीएमओ के मुताबिक उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण किया, बाद में तो उन्होंने सरप्राइज ही दे दिया। पीएम मोदी स्वदेशी फाइटर जेट तेजस पर सवार हुए और उसी में उड़ान भरी। तेजस में उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। इंडियन एयरफोर्स DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में स्वदेशी उत्पादों पर धीरे धीरे फोकस बढ़ रहा है और तेजस विमान स्वदेशी है। पीएम मोदी अक्सर कई मंचों से स्वदेशी पर जोर देते रहे हैं। जब से मोदी सरकार देश में आई है, तभी से रक्षा उपकरणों को भारत में बनाने और निर्यात करने की क्षमता में इजाफा किया गया है। तेजस जेट फाइटर एक इंडिजिनस जो हमारा देश में बनाया हुआ एक जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें अभी GE-404 इंजन लगे हैं। 75 से ज्यादा इस मार्के के विमान बन चुके हैं और तेजस Mk-1A भी अब शुरू होने वाला है। जो अगला सीरीज है वो GE-414 इंजन से लैस होगा, जिसमें उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तेजस लड़ाकू विमान पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये एक इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जो किसी भी परिस्थिति में अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। इस विमान ने दुनिया को भारतीय टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाया है। यही वजह है कि बाहरी देश भी इसमें रुचि दिखा रहा है। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। एल्युमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिस्ट और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। इसका वजन केवल 6,560 किलोग्राम है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी यही है
कि इसके 50% पार्ट भारत में बने हैं। ये जहाज एक फोर्थ प्लस जनरेशन फाइटर है, 4+4.5 जनरेशन फाइटर है, और कमाल की बात है अभी तक एक भी क्रैश नहीं हुआ, थैंक गॉड इसका, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत उम्दा है, देश में डिजाइन हुआ, देश में मैन्युफैक्चर हुआ। और ये जो जहाज है हमारी जो आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है। तो मोदी जी किसी भी जहाज में जा सकते थे, रफाल में जो फ्रेंच है, Su-30 जो रूस का बना हुआ है, मिराज वगैरह इत्यादि इत्यादि, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली चूज किया तेजस फाइटर को, ताकि जो हमारा आत्मनिर्भरता का प्रोग्राम है उसको वो बढ़ावा देना चाहते हैं, थम्स अप देना चाहते हैं। और तेजस हल्के वजन में बेहद कारगर लड़ाकू विमान है, क्योंकि ये 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है, साथ ही से लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से इसके लिए हथियार ले जाना न केवल आसान है बल्कि लैंडिंग और टेक ऑफ में आसानी रहती है। HAL की क्षमता बेंगलुरु में हर साल 16 विमान बनाने की है, साथ ही कंपनी नासिक में भी एक फैसिलिटी बना रही है, इससे उसकी क्षमता सालाना 24 जेट बनाने की हो जाएगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तेजस की सवारी की थी। राजनाथ सिंह स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने थे। पीएम मोदी ने कहा, हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। मोदी सरकार ने रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए जो बड़े कदम उठाए हैं उसमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। मोदी सरकार ने 83 LCA के 1A विमानों की डिलीवरी के लिए HAL को 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है और इसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक होने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा दिग्गज GI एरोस्पेस ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान MK-2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने के लिए HAL के साथ एक समझौता किया था। ये तेजस मार्क 2 जब आ जाएगा उसका एयरक्राफ्ट कैरियर का वर्जन भी आएगा और इसका जो परफॉर्मेंस है एट पार विद रफाल और Su-30 Mk इंडिया IA जो बनेगा Su-30 MKI वो जो तेजस की बात होगी वो फिर पूरी की पूरी पूर्ति करेगा जो कि कमियां हैं हमारे स्क्वाड्रंस में। 32 स्क्वाड्रन से कम 30 स्क्वाड्रन के तकरीब आ गए हैं, 42 स्क्वाड्रन चाहिए, 12 स्क्वाड्रन। आप देखेंगे कि कितनी तीव्र गति से ये पूरा का पूरा खाना भर, पूरा का पूरी इसकी रक्त उसकी खाली स्थान भर जाएंगे, तेजस सब स्क्वाड्रन में आ जाएगा और उसके बाद में भारत की जो स्थान है, भारत की इज्जत Top 3 countries में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल अप्रैल में कहा था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा था ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तेजस नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तेजस विमान की ताकत अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से बिल्कुल कम नहीं है। इसमें लगे रडार हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में कारगर है, साथ ही ये हर तरह के मौसम में काम करने में सक्षम है। ये सारी खूबियां तेजस को अलग फाइटर जेट बनाती है जो अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। वाराणसी में यूपी का पहला ज्योतिष ऑनलाइन लैब बन गया है। यूपी सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में लैब की सौगात दी है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास का रथ अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, वहीं विकास के साथ साथ संस्कृति की विरासत को सहेजने और संवारने के लिए भी आगे बढ़ चुका है। यूपी सरकार ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन संस्कृत लैब का तोहफा दिया है। इस आधुनिक लैब के जरिए इंटरनेट की दुनिया से भारतीय ज्ञान परंपरा को युवा घर बैठे ऑनलाइन तरीके से संस्कृत में डिग्री प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें उन्हें वैदिक शिक्षा के सारे गुण मिलेंगे। भारतीय विद्याओं में सभी तरह का
केवल अध्यात्म की बात हम नहीं करते, अध्यात्म तो हमारे कण कण में है, लेकिन जो तथाकथित आधुनिक विज्ञान है वह भी हमारी विद्याओं में, हमारे शास्त्रों में निहित है। उस विज्ञान का प्राकटन करके सर्वजन सुलभ बनाना, ये हमारे विश्वविद्यालय का दायित्व तो भी है और धर्म भी है। संस्कृत की वैदिक शिक्षा के बीच संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बना ये लैब घर बैठे युवाओं को ज्योतिष, कर्मकांड, अर्चक, वास्तु विज्ञान, योग, व्याकरण, दर्शन, वेदांत जैसे सिलेबस को पढ़ाएगा। इसे पढ़ाने के लिए लैब में प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। इस लैब में वो तमाम उपकरण लगाए गए हैं जो ऑनलाइन शिक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे। यूपी सरकार ने 1,16,00,000 रुपए का अनुदान दिया है जिससे ये लैब तैयार की गई है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि हम 10 ऐसे विषयों को चिन्हित करके उन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम चलाएं, ऐसे पाठ्यक्रम चलाएं, ताकि वह लोग भी लाभान्वित हो पाएं जिनके पास समय नहीं है, जो नौकरी में है, जो व्यवसाय में है, जो रेगुलर औपचारिक रूप से कक्षाओं में आकर के पढ़ नहीं सकते, वो लोग भी घर बैठे बैठे उन सारी विद्याओं को अर्जित करने में समर्थ हो पाएं। इस दृष्टि से हमने 10 पाठ्यक्रमों को चिन्हित किया, उनका पाठ्यक्रम निर्माण किया और उस पाठ्यक्रम के संचालन के लिए आधुनिक सुविधाओं से सज्जित एक लैब का निर्माण किया। लैब से शिक्षा लेने पर रोजगार के नए साधन भी खुलेंगे जो कर्मकांड से संबंधित होंगे। अब तक इस लैब में 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। देश के साथ साथ विदेशों में बैठे लोगों तक भी संस्कृत की शिक्षा की पहुंच होगी। वाराणसी से न्यूज 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।